genuine epitope of academic excellence. Zabardast level ka yahan pe research hota hai, awards milte hain, fellowships milti hain. Hamara ek tagline hota hai, sabhi ko avsar, nyay sabhi ko. Irrespective of anything, sabhi ko avsar hone chahiye aur sabhi ko nyay milna chahiye. We are also willing for the equilibrium where the continuation must be from our tradition and culture to the modern traditions and modern culture. The balance where we are having good points of both of them, the tradition as well as modernity. And this is what ABUP stands for. We are the organization which works for student, which is standing for student, which will be there for students forever. साथियों, जब पिछली बार हम चुनाव में गए थे तो हमारा नारा था हॉस्टल प्लेसमेंट वाईफाई परिषद की यही लड़ाई. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग सीट पर जीत के आए हैं, हमने वाईफाई के लिए काम किया और हम वाईफाई पे आगे बढ़ के अब लगभग वाईफाई पूरे कैंपस में इंस्टॉल हो गया है इक्विपमेंट, और अब 2 महीना में वाईफाई शुरू हो जाएगा. जब पिछली बार हम जीत के आए, हमने अपने संघर्ष से डोनर मिस्ट्री को मजबूर कर दिया कैंपस में आने के लिए. जितेंद्र सिंह अक्टूबर में कैंपस में आए और 90 करोड़ फंड दिया नॉर्थ ईस्ट हॉस्टल के लिए. दोस्तों, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है, हम बस छात्रित्व के लिए काम करना चाहते हैं और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हॉस्टल. इस बार अगर हम जीत के आते हैं, हम हॉस्टल बना के रहेंगे. हमारा वादा है एपी को 4 पैनल लाइए, हॉस्टल बनवाइए. 9 फरवरी को इस कैंपस में भारत को तोड़ने की कस्में किसने खाई? 9 फरवरी को इस कैंपस में भारत को बर्बाद करने का शपथ किसने लिया? 9 फरवरी को इस देश को टुकड़े टुकड़े बांटने की कस्में किसने खाई? एबीपी के लोगों ने नहीं, वामपंथी संगठन के लोगों ने खाई. दोस्तों, अभी रिसेंट में 20 अगस्त को इस जेएनयू में एक शमशार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया जाता है. वो इस घटना का को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, वामपंथी संगठन का बहुत बड़ा नेता होता है, वो स्टेट प्रेसिडेंट होता है आईसा का. इस कैंपस में बहुत ही सस्ती और उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलती है. अगर ये कैंपस बंद होता है तो हम क्या रोड पर आएंगे? विद्यार्थी परिषद के 600-700 कार्यकर्ता रोड पर आएंगे? तो ये सरासर झूठ है. झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग इस कैंपस को बंद करना चाहते हैं. दोस्तों, ये आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, और डर और खौफ आपके अंदर पैदा करके ये हमारे हराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये नाकाम रहेंगे. तो साथियों, 9 तारीख को अपने अपने हॉस्टल से, घर से, कमरों से निकलिए, वोट कीजिए, बदलाव के लिए वोट कीजिए, वोट किए देश के लिए वोट कीजिए. धन्यवाद. भारत माता की जय. वंदे मातरम. साथियों, एक BMA और MMA स्टूडेंट आता है, सही से फेलोशिप प्राप्त करते हुए परिवार पे अधिक डिपेंडेंट न रह करके अपनी पढ़ाई के लिए और पूर्ण निश्चिंत होकर के पढ़ाई करे, इसके लिए फेलोशिप एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. उसके लिए हमने पिछले महीने MHRD को ज्ञापन दिया इसके लिए कि ये बहुत ही आवश्यक है कि फेलोशिप की संख्या को बढ़ाया जाए, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बढ़ाएंगे. गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से जो यहाँ पर आता है, वो एक सपना लेके आता है कि मुझे वहाँ पे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के बाद में अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा. लेकिन यहाँ पे जो एक माहौल है, यहाँ पे जो राजनीति चलती है, छात्र राजनीति, वो प्लेसमेंट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा है. इसके लिए हम ABUP की तरफ से लगातार डिमांड रखे हुए हैं कि यहाँ पे इफ़ेक्टिव प्लेसमेंट सेल हो, ABUP को जितवाएंगे, फेलोशिप बढ़वाएंगे, ABUP को जिताएंगे, प्लेसमेंट करवाएंगे, ABUP को लाएंगे, हॉस्टल बनवाएंगे, ABUP को जितवाएंगे, जेंडर जस्टिस लाएंगे. भारत माता की जय.